हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यस, हम इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पहले क्या ज़रूरी है? इंग्लिश लिखना, इंग्लिश को समझना। तो सबसे पहला जो टूल है वो इंग्लिश को लिखना। क्या आपको इंग्लिश लिखना आता है? बोलने से पहले आप ये तो चेक करो कि आपको इंग्लिश लिखना आता है। तो इंग्लिश लिखना जब तक आपको नहीं आता, आप बोल कैसे सकते हो, है ना? तो इंग्लिश लिखने का भी अगर आपको आता है, आप कहते हैं आता हूं मुझे, तो फिर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आता, बोलना नहीं आता, तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। एंड द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड कि हमें क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते, हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं लेते। हमको लगता है कि इंग्लिश जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, फॉरनर्स की लैंग्वेज है, राइट? तो जो फॉरनर्स की लैंग्वेज है, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है, है ना? तो हम जब उसको इस तरह से ऐसे भारी भरकम वर्ड्स दे दिए, नाम दे दिए, तो फिर हमें कैसे ही आएगा? वी लूज इन आवर कॉन्फिडेंस कि वो एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, मुझे नहीं आती। अगर वो बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं रिप्लाई कैसे करूँ? तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझ कर, एक सब्जेक्ट समझ के करोगे उसको। हमें कब से आती है? बचपन से स्कूल भेज रहे हैं पेरेंट्स हमें, और सेकंड और थर्ड क्लास से। इट्स माय टेंटेटिव आइडिया, नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड आइडिया, टेंटेटिव आइडिया है कि सेकंड और थर्ड क्लास से, स्टैंडर्ड से हमें इंग्लिश ग्रामर लग जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, टेंस पढ़ाए जाते हैं, वोकैबुलरी बताई जाती है, हमें प्रेपोजिशंस समझाई जाती है, हमें दिस एंड दैट का डिफरेंस समझाया जाता है। तो हम बचपन से कर रहे हैं यार, हमें बचपन से आता है, हमें बचपन से आता है कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है। द थिंग इज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। एंड व्हाई वी आर नॉट कॉन्फिडेंट? तो हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज नहीं करते, हम उसको एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस में यूज होने वाली, है ना, और या फिर हम उसको एक फॉरेन लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। तो इसलिए वी गेट कंफ्यूज्ड, वी लूज इन आवर कॉन्फिडेंस। और हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? डू यू नो द टेक्निक, द लॉजिक कि हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसको इस तरह से समझा कि वो फॉरेन की लैंग्वेज है, वो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है ना? फिर उसके बाद जब हमने ये अपने मन में बिठा लिया कि ये तो उनकी, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है, इसीलिए हमें नहीं आता या समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उसको डेली यूज नहीं कर रहे, हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अभ्यस्त नहीं है उसके, हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो हम उसका फ्लो में नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसीलिए है क्योंकि हमने उसको भारी भरकम वर्ड्स के नीचे दबा दिया, अपने सबकॉन्शियस में ये चीज को बिठा दिया कि ये तो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, ये तो फॉरेन लैंग्वेज, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं। अरे भाई, क्यों? बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं आता हमें? हमें आता है। आपको वही कॉन्फिडेंस लेके आना कि हमें आता है। थर्ड स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं या सेकंड स्टैंडर्ड से हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमारे तो बुक्स भी है, पेरेंट्स पीछे भागते हैं, इंग्लिश मीडियम करा दो, इंग्लिश मीडियम करा दो, फिर भी नहीं आता। तो कहाँ नहीं आता? क्योंकि हमें राइटिंग की शायद प्रैक्टिस नहीं है, या फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब यू आर श्योर दैट यू आर करेक्ट। किसी भी पर्सन को अगर हम एकदम धड़ाके से जाके कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट दैट टाइम। हमें पता होता है हम वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं, बिकॉज वी आर करेक्ट, वी आर राइट। कोई भी चीज हमें तब आती है कॉन्फिडेंटली जब हमें ये 100% श्योर होता है डेट वी आर राइट, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं तो गलत हूं ही नहीं, मैं तो गलत रास्ते पे हूं ही नहीं, तभी तो आई एम कॉन्फिडेंट, राइट? तो इंग्लिश में भी हमें वही लेके आना, डेट आई एम करेक्ट, ठीक है? तो ये मिथ तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश क्यों नहीं आती या क्यों नहीं बोल पाते। तो वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हम करेक्ट नहीं है, शायद हम गलत हैं। तो वो जो शायद आ गया ना, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो फिर नहीं आएगा, फिर तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना, खुद से ही जंग हो गई। टाइप कर रहे हो मैसेज, बोल रहे हो, बोलोगे कैसे? पहले तो लिखना आना चाहिए, लिखने में पता होना चाहिए डेट आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो दिस इज करेक्ट। लिख लिख कर फिर उसको समझ कर, क्योंकि लिखते टाइम हम बोलेंगे भी, जब हम बोलेंगे तो वील गेट कॉन्फिडेंस, अवर सबकॉन्शियस माइंड विल रीप्रोग्राम कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज ही है भाई, वो फॉरेन की है या यहाँ की है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ये तो हमारा सब्जेक्ट है स्कूल का और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी नहीं आता।
सबको आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस कॉन्फिडेंट कि हम सबको आता है, इंग्लिश इजी, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, दिस इज जस्ट अ सब्जेक्ट, हम सबको आता है। वी जस्ट नीड टू रेक्टिफाई अवर ब्लाइंड बिलीव्स, मिथ जो हमारे हैं उनको हम ठीक करेंगे, इसको एक भाषा की तरह ही लेंगे और भाषा की तरह ही करेंगे। और दूसरा करेक्ट होना है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है, राइटिंग। सो आज सब मेरे साथ शुरू करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, हम राइट करना शुरू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम राइट नहीं करेंगे, हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें तब तक वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड जिसपे मैं आपको समझाऊंगी अब, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय व्हाइट बोर्ड, लेट्स स्टार्ट। सो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं शुरू, बट ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा इंग्लिश राइटिंग से, कि हमारी राइटिंग करेक्ट होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो हमारी राइटिंग करेक्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश को पहले, मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूं ना तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग, एंड डोंट माइंड दिस इज माय एस, ठीक है, क्योंकि मैं एक ग्रेफोलोसिस्ट भी हूँ, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर को करेक्ट कराते हूँ, तो ये मेरी करेक्शंस हैं, और बोर्ड पे लिख रहे हैं तो थोड़ी इस तरह से आ रही है, ठीक है, बियर विद मी, मेरे साथ सहन कीजिए। तो हिंदी भी साथ साथ में सिखाएंगे, तो इंग्लिश में सबसे पहले देखो, अगर हिंदी में ही हम देखो तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा समय है ना, तो सबसे पहले क्या है, समय है। समय जो है ना वो तीन तरह का है, थ्री टाइप्स, ऑफ टाइम। तो हम अभी टेंस नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इसको टाइम समझेंगे कि इंग्लिश में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो समय है वो तीन तरह का है, तो सबसे पहला समय कौन सा होता है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्तमान, वर्तमान समय, ठीक है ना। वर्तमान समय मींस इंग्लिश क्या हो गई फिर, वर्तमान समय की प्रेजेंट। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जिस किसी को नहीं भी आता होगा वो इसको समझेगा कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। हमें सबको ये आता है, बस एक रिवाइज कर रहे हैं ताकि जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी काम है चाहे जब भी शुरू करो उसको अच्छे से करो, है ना, शुरुआत से करो। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अच्छा वर्तमान समय है, तो वर्तमान समय का हमें कैसे पता चलता है, क्या है इसकी रिकॉग्नाइजेशन, मींस इसकी पहचान, हिंदी भी लिखेंगे और इंग्लिश भी लिखेंगे। पहचान क्या है भाई इसकी, प्रेजेंट की, ठीक है, आपने बोल दिया मैम, वीनस मैम आपने बोल दिया कि प्रेजेंट है, वर्तमान समय है, पर कैसे पता चलता है वर्तमान है, तो वर्तमान है जो भी मैंने बोला ना, है वो वर्तमान है, और क्या हो सकता है, हे, और क्या हो सकता है, है ना। तो ये सब क्या है, ये जब आ जाते हैं ना किसी भी लाइन के पीछे, तो ये उसको क्या बना देता है, वो समय क्या बताता है कि मैं हूं, वो है, तुम सब लोग हो, ठीक है, तो एक हो भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ह की आवाज आ गई आपको, जब आपको लास्ट में पता चल गया, पता चल रहा है कि ह है, ठीक है, साउंड आ रही है ह की, वॉइस आ रही है ह की, तो वो क्या है, हमारा प्रेजेंट टाइम, वो हमारा प्रेजेंट टेंस बन जाता है, प्रेजेंट टाइम बन जाता है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है हमारा सेकंड, सेकंड क्या है, भूतकाल, जो भूतकाल है ना उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टाइम, ठीक है ना, भूत बन गया ना वो पास्ट टाइम, पास्ट टाइम है,
तो ये हमारा कौन सा भी हो गया साथ में यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे, राइट। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, ठीक है। और वही अगर हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो नाउ, नाउ का मतलब आ गया अभी, अब जो अब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बस इतना सिंपल से को ही समझेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं करेंगे, बहुत इजी है। भूतकाल की अब क्या पहचान होगी, क्या रिकॉग्नाइजेशन होगी, रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान। पहचान क्या है, भूतकाल हो गया ना, बीता हुआ कल है, तो जहां पे आ गया था, मैं था, मैं थी, तुम थे या वो थे, तो जहां पर थे आ गया, जहां पे था आ गया, मतलब बीत गया, पता चल रहा है, फील आ रही है हमें। देखो जो समय है ना उसको फील करो, जब आप उसको फील करोगे तो आप उसको कर पाओगे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो पहचान क्या होगी भूतकाल की, पास्ट टाइम की, पास्ट है हमारी पहचान, रिकॉग्नाइजेशन था, थी, क्लियर। फिर अब हम चलते हैं नंबर थ्री, नंबर थ्री पे हमारा कौन सा आ जाता है, सबको चिंता होती है किस बात की, भविष्य की, भविष्य में क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आज की बात, भविष्यकाल, भविष्यकाल मीन्स इंग्लिश में क्या हो गया, फ्यूचर। देखो ये सब चीजें आप सबको आती है, जस्ट गेट कॉन्फिडेंस टू राइट इट, ओके। फ्यूचर टाइम, अब फ्यूचर टाइम कौन सा होता है, अभी प्रेजेंट हो गया नाउ अभी, ठीक है। अब पास्ट हो गया यस्टरडे, बीता हुआ कल जो बीत चुका है, और फ्यूचर कौन सा है अभी, टुमारो आने वाला कल। आने वाला कल, ठीक है। अब आने वाले कल की क्या रिकॉग्नाइजेशन होगी, सब लोग सोचते हैं बैठ के, कल क्या होगा, कल खाना क्या बनाए, कल क्या करेंगे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन पहचान, तो सबके पीछे जितनी भी मैंने बातें बोली सबके पीछे क्या आएगा, ये कल क्या होगा सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्या मैं कल खाना बनाऊंगी, है ना, पता नहीं बनाऊंगी नहीं, कल मैं जिंदा भी हूंगी कि नहीं, राइट। तो गी गा गी गे, क्या हम सब कल मिलेंगे, हम YouTube पे सीख रहे हैं ना, हम इसको सीख रहे हैं टेंस, तो क्या हम सब कल मिलेंगे, तो आने वाला कल गे, तो क्या पहचान होगी, गा गी गे। ये हैं हमारे तीन तरह के, तीन प्रकार के समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ये जो समय है ना, इसको जो इसका समय का जो थ्योरी है, तीन तरह के ही समय है, हम सबको पता है कि हम वर्तमान में रहते हैं, भूतकाल में, और फिर वही भविष्यकाल में। तो वर्तमान समय हमें क्या बोलता है, प्रेजेंट टाइम हमें क्या बोलता है कि अब, नाउ। पहचान क्या है हो, भूतकाल टाइम आ गया, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, जो कल हुआ था, ठीक है।
जो कल हुआ था, तो वो उसके पहचान के आगे था, थी, थे, तो हमें इस टाइम से पता चलता है कि वो पास्ट टाइम है। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टाइम, मतलब कल क्या होगा, कल आने वाले कल में क्या होगा, कल मैं क्या कर रही होंगी इस समय में, राइट? क्या कल मैं आपको सिखा रही होंगी, है ना, क्वेश्चन में आ गया, फ्यूचर है, ठीक है। क्या हम सब कल मिल रहे होंगे, तो गागी गे, ये हमारी पहचान होगी फ्यूचर टाइम की। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आगे इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या आप कुछ भी पूछना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर उठा ले, मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर आपको जरूर गाइड करूंगी। थैंक यू।